सर्वे दर्शक मित्रों ने नमस्कार। बडोली स्नेक सेवर केम गुप्ता यूट्यूब चैनल में आप सभी हार्दिक स्वागत है। मित्रों रामपुरा वाली फरी में कोई साप आयो है मित्रों, तो खुल्लो प्लॉट है त्या साप छुपायेलो है। तो मित्रों हवे साप ने पकड़वा माटे जई रहे छे। तो मित्रों ज्यां सुधी साप न पकड़िए त्या सुधी कही शकाय एम नथी के साप कया प्रकारनो छे। तो मित्रों हवे साप ने तपास करी रहे छे। कई साहेब दोस्तों साप मरी गयो छे मित्रों। साप आ बेबी बेबी दामण छे मित्रों। आ साप ने अंग्रेजी में रेड स्नेक कहेवामां आवे छे, हिंदी में गुड़ पछात, हिंदी में धामीन, अंग्रेजी में रेड स्नेक। मित्रों आ साप बिल्कुल नॉन वेनमस छे, बिल्कुल बिनझेरी छे। मित्रों आ साप नो मुख्य खोराक उंदर। साप नु नाम पड़े त्यारे दरेक मानस ने डर पैदा थाय छे, भय पैदा थाय छे। साप दरेक साप बिल्कुल जहरीला होता नथी। मित्रों आ साप बिल्कुल बिनझेरी छे। आ साप ने अंग्रेजी में रेड स्नेक, हिंदी में घोड़पछाड़, हिंदी में धामीन, गुजराती में दामण जेवा जेवा जुदा जुदा नामों थी एने ओळखवामां पहचानवामां आवे छे। मित्रों आ साप ने कई रीते ओळखो तो अहीं दर्शक मित्रों बधा ऊभा छे, एमने हूँ जरा आ विषे जानकारी आपूँ। मित्रों आ सापना मोढ़ा नीचे भाग व्हाइट अथवा ब्लेक लीटीओ देखाय, मोढ़ा नो भाग शरीर भाग करता पात्र होय, पूंछड़ी लांबी और पातरी होय, तो मित्रों मानी लू कि आ दामण प्रकार प्रजाति साप है। तो मित्रों आ साप बिल्कुल बिनझेरी है, गरीब प्रजाति साप है। तो मित्रों आ सापों से डरो नहीं, सापों ने मारो नहीं। साप ए पर्यावरण ने टकाई राखवा माटे कुदरती आपेली गोड गिफ्ट छे। मित्रों पर्यावरण में अमुक झेरी जीवजंतु अथवा डेडका उंदर जेवा नु प्रमाण वधी न जाए, कारण के भारत एक खेती प्रधान देश है। आ उंदर खावानो एक प्रकार मशीन छे। तो मित्रों सापों थी सावधान रहो, सापों थी बचो, सापों ने मारो नहीं। तो मित्रों हवे आ साप ने सही सलामती पकड़ी लीधो छे, तो हवे एने पोतानो आ जीवन आजादी थी मुक्तपणे जीवी शके। एटला माटे आ साप ने
ફોરેસ્ટ એરિયા કે જ્યાં નદી કિનારો હોય ત્યાં એને છોડી દઈશું. તો મિત્રો થેન્ક યુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. અડધો કલાક પહેલા રામપુરવાળી ફળીમાં પ્રજાપતિ રમેશ કુમારના ઘરે કોઈક સાપ આવેલો હતો, તો મિત્રો ત્યાં પહોંચી સાપની સર્ચ કર્યા પછી ધામણ પ્રજાતિનો સાપ હતો મિત્રો, તો એને સહી સલામતની પકડી હવે એને મુક્ત વાતાવરણમાં કે જ્યાં નદી કિનારો છે, ફોરેસ્ટ એરિયા છે, ત્યાં પોતાનું જીવન સારી રીતે સરળતાપૂર્વક જીવી શકે, એટલા માટે મિત્રો એને રિલીઝ કરવા માટે, છોડવા માટે આવ્યા છીએ મિત્રો. તો સાપોથી બચો, સાપોથી સાવધાન રહો, કારણ કે મિત્રો સાપ એ પર્યાવરણનો મિત્ર છે, આપણો કોઈ દુશ્મન નથી. મિત્રો હવે આ સાપને રિલીઝ કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો થેન્ક યુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. ખુશ રહો, મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો.